विकासखंड चरगावां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एनडीआरएफ रोड पर नवनिर्मित पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान की स्मृति में मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण मुख्य अतिथि बांसगांव लोकसभा के पूर्व सांसद व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभावती पासवान, विशिष्ट अतिथि बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान व सदर सांसद रवि किशन शुक्ल के द्वारा किया गया। इस मौके पर बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, चरगावां के ब्लॉक प्रमुख सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरण किया गया और ब्लॉक प्रमुख कच्छ एवं खंड विकास अधिकारी कच्छ का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चरगावां विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान ने कहा कि हम सदैव स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान के कदम पर चलते हुए इस क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जनता के दिलों पर राज करने वाले व्यक्तित्व के धनी तथा प्रतिभावान व्यक्ति थे। आज उनके सपनों को उनके परिवार के सदस्य राजनीति में आकर जनसेवा कर पूरा कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी स्वर्गीय ओम प्रकाश के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। तोरण द्वार बनवाने के लिए सबसे पहले यहाँ के युवा ब्लॉक प्रमुख भाई सुनील जी को ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा। साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे बांसगांव के लोकप्रिय सांसद स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के बड़े पुत्र सम्मानित कमलेश पासवान जी, यहाँ पर महान सभी की मातृशक्ति और लोकसभा में इन्होंने भी अपना दायित्व निभाया था और ये सही है कि कई पदों को इन्होंने सुशोभित किया था। स्वर्गीय ओम प्रकाश जी के न रहने के बाद इन्होंने इस मालीराम की धरती को भी विधानसभा में जाकर के उस गौरव को भी इन्होंने बढ़ाने का कार्य किया था। ये परम सौभाग्य का क्षण है साथियों, जिसकी स्मृति में ऐसा संयोग आज चरगावां ब्लॉक के इस परिसर में हमें देखने को मिल रहा है। हम जिसके सभी साक्षी बन रहे हैं और इस संयोग को साक्षात करने वाले यहां की देवतुल्य जनता के श्री चरणों में मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहता हूं और पिताश्री के पुण्य स्मृति में यहां पर उनके नाम से आगमन प्रवेश और विकास द्वार का जो लोकार्पण यहां के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख और जिसके साथ हम कंधे से कंधे कदम से कदम मिला करके पले बढ़े सवरे सजे और संघर्ष किए, सुख दुख के साथ ही हमारे अनुज श्री सुनील पासवान जी, जो मेरा एक सपना था यहां पर जब मैं यहां ब्लॉक प्रमुख बना था कि पिताजी के स्मृति में एक हॉल बनाया जाए, कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो एक स्मृति में अटल हो जाए, अमर हो जाए। क्योंकि मेरा कार्यकाल साल भर का ही रहा और इस विरासत को जो एक नेक इरादे से मैं यहां पर कदम रखा था जन सेवा करने के लिए, इस क्षेत्र की रहनुमाई करने के लिए, जो जगह मेरे पिताजी ने अपने अमीर छाप से और अपने कार्यों से, अपने कृतियों से, अपने पुरुषार्थ से एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया इस क्षेत्र में जिन्हें लोग दलितों का मसीहा कहते थे, जिन्हें इंसान और इंसानियत की राजनीति करके
इस क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल कायम की कि आज भी उनके पदचिन्हों के लोग कायम हैं, उनके कार्यप्रणाली के लोग अनुसरण कर करके राजनीति को एक रोल मॉडल मानते हैं हम जैसे युवा। और मेरे पिताश्री एक ऐसे मिसाल है इस भारतीय राजनीति में जिसको हमारे राष्ट्रीय संत पूज्य महाराज जी के गुरु ब्रह्मलिंग श्री महाराज रविनाथ जी का जो सानिध्य मिला, तो उन्होंने मालेगांव विधानसभा क्षेत्र से स्वयं वो गोरखपुर लोकसभा सीट से एक साथ आम चुनाव जो आम लोकसभा का चुनाव था, आम विधानसभा का चुनाव था, और हिंदू महासभा से मेरे पिताजी को लेकर दलित परिवार व्यवस्था से संबंध रखने एक तालुका सामान्य परिवार से रखने वाले व्यक्ति को साधारण कार्यकर्ता को विधायक बनाया। ये भारतीय राजनीति में एक ऐसी घटना थी जिसको उस समय के तत्कालीन मंत्री बूटा सिंह जी ने भी संसद में कोर किया था कि उदाहरण अगर पेश करना है तो ऐसे राष्ट्रीय से सीख लेना चाहिए जो स्वयं अपने घर में विद्यालय का आगाज करता, अपने घर से शुरुआत करता। और जब पिताजी की मूर्ति का अनावरण करने को हुआ हमें याद है प्रतापपुर प्रांगण में, और उस समय के मुख्य अतिथि हमारे इस समय के तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज आदित्यनाथ जी ने यह आश्वासन दिया था और यह आशीर्वाद दिया था कि जो आशीर्वाद का सिला हमारे गुरु जी ने जो है छोड़ करके गया, मेरे जीते जी यह आशीर्वाद सदा बना रहेगा। अमर शहीद ओम प्रकाश पासवान जी के स्मृति में क्षेत्र पंचायत सरमा प्रवेश द्वार का लोकार्पण कार्यक्रम 15 मार्च क्यों रहा मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा। यह कार्यक्रम 25 मार्च को होगा, 25 मार्च किसी से छुपा नहीं है। जब 25 मार्च बांसगांव की धरती से हम लोग के आस्था के केंद्र नहीं रहे, उस रूप में याद के रूप में 25 मार्च हमेशा मनाया जाता है, हमें उसी रूप में इस प्रवेश द्वार गेट का मैं चाहता था। पंचायती चुनाव आचार संहिता सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, मेरा कार्यकाल सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज 15 तारीख की सुनिश्चित हुआ। निश्चित तौर पर राजनीतिक जीवन में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जब चरगांव आने पर अवसर मिलता है और एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें सुनील पासवान ने अपने प्रमुख के कार्यकाल में एक ऐसा मापदंड तय कर दिया कि स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के स्मृति में जो द्वार बना है, मैं जितनी भी प्रशंसा इनकी करूं वो कम है। मैं आप सब लोगों की तरफ से इनका स्वागत करता हूं, इनको बधाई भी देता हूं। साथ ही हम सब लोगों के लिए स्वभाव का विषय कि जिस जगह से खड़े होकर आज हम भाषण दे रहे, मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी ने इस ब्लॉक से राजनीति का आरंभ किया था। यही से वो बीडीसी रहे, यही से वो प्रधान रहे, यही से वो ब्लॉक प्रमुख रहे। हमारे यहां जैसा सीट जो हमारे बिरादरी के मुश्किल से 4-5 हजार लोग भी नहीं रहा करते थे उस समय, ऐसे सीट पर जो जनरल सीट था वहां से 5-5 बार विधायक है। साथी ये बड़ा गौरव का विषय होता है जब हम लोग दिल्ली और लखनऊ जाते हैं और ये बताते हैं कि मालेगांव की जनता ने लगातार जनरल सीट से जहां पर आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी को 5 बार विधायक बनाया, श्रीमती स्वाति पासवान को विधायक बनाया, चंद्रेश पासवान को विधायक बना, और मेरे इंतजार में आप लोगों ने इतने देर तक वेट कर फिर मुझे विधायक बनाया। साथियों मैं इस चीज के लिए अपने जीवन के आखिरी सांसों तक, अपने जीवन के आखिरी सांस तक मैं इस कर्ज को कभी भूल नहीं सकता। साथियों मैं जो राजनीति सीखा हूं निश्चित तौर पर मैं लगातार 3 बार सांसद हुआ, सांसद बन जरूर मैं भाजपा से होता हूं, लेकिन हमेशा दिल की धड़कन मालेगांव के उन वासियों में बसती है जिन लोगों ने मुझे राजनीति के सहारे यहां तक पहुंचाने का काम किया। सब बहुत सारे ऐसे चेहरे बैठे मुझे याद है, जंगल पौड़िया में 2 अक्टूबर को दंगल और बिहार का आयोजन होता था। मैं पहली बार जब वहां गया था, गोरक्षा रामाश्री निषाद जी, राजेंद्र पांडे जी, ब्रजेश झा, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ, दीनानाथ जी के साथ,
तो मैं पहली बार जब भाषण दे मंच पर चढ़ा तो मात्र 30 सेकंड का भाषण मैंने दिया था। मैं लिख के ले गया था, मेरे पैर कांपने लगे कि मैं बोलूंगा क्या। उस समय मेरे पिता सुखदेव प्रकाश पासवान जी, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय वो जेल में थे। साथियों, उस समय से लेकर आज तक जिस तरह आप सब लोगों ने एकजुट होकर हमको इस तरह आगे बढ़ाने का कार्य किया और लोगों की समस्याओं को सुनने का समर्थन प्रदान किया, निश्चित तौर पर मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज के इस अवसर पर निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि सुनील पासवान ने जो विगत पिछले 4 वर्षों में इस ब्लॉक को दिन रात एक कर, चाहे वो BDC हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे आम जनता हो, उनको सुलभ उपस्थित होकर उनकी सेवा किया है। निश्चित तौर पर आपने ये कहा कि मेरा कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है, मैं तो ये कहूंगा कार्यकाल किसी का समाप्त राजनीति में नहीं होता है, आज से आपका कार्यकाल आरंभ हो रहा है। साथियों, राजनीतिक जीवन में कभी बैठना नहीं पड़ता, हमें हमेशा हर दूसरे की सुनना पड़ता है, दूसरे की समस्याओं लेकर हमेशा संघर्ष करना पड़ता है और हमारा परिवार और हम सब लोग मिलकर, हम और सुनील पासवान तो बहुत वर्षों से लगातार 20 वर्षों से जितना मैंने संघर्ष किया उसने इन्होंने संघर्ष किया, चाहे रविंद्र पांडे चाचा ने संघर्ष किया, ऐसे बहुत सारे चेहरे इस मंच पर बैठे हैं, सभी लोगों ने हमारे साथ संघर्ष करने का काम किया है, तब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ। साथियों, इतिहास है वो कहा बातें सबके मालूम बात, और इजन गेट बनल बाटे एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में हमेशा वो कहावत हम सुनत रही, कहो हम अपने माननीय सांसद बाजनाओ कमलेश पासवान जी से जो है कि पिताजी ऐसे रहलन, फिर जनता से, फिर कभी हमारे प्रतिनिधि कार्य में बैठ के बतियावन, तो इनका किस्सा हम बहुत सुने कि कैसे एगो ही लड़ाई लड़त रहना गरीब लोग खातिर, कैसे लड़ाई लड़त रहना वो मेडिकल कॉलेज पाओ दवाई खातिर, वो अपने बिरादरी खातिर, गरीब गुरबा खातिर, वो छोट जात बढ़ जात खातिर, दलित खातिर, वो कोई भी इंसान खातिर। ऐसे शहीद पासवान जी के नाम पर आज वो इतना गेट बनल और भव्य बनल, तो खातिर हम धन्यवाद देव आपके सुनील पासवान जी और आपके पूरा जितना लोग साथ में बढ़ सब लोगों के हम धन्यवाद है। सुमावती जी के बारे में सब लोगों के पता मालूम बाटे कि उनकर कैसे एगो लड़ाई गए को माई के रूप में, पत्नी के रूप में और एक सेवक के रूप में, तो उनके हम प्रणाम करें मंच पर। हमारे साथ पिपराइज के बहुत कर्मठ मेहनती ईमानदार विधायक जी वार्ड महेंद्र पाल सिंह जी, उनके हम साधुवाद नमन। विपिन सिंह जी गोरखपुर ग्रामीण विधायक जी चल गए, डॉक्टर विमलेश पासवान जी एगो यंग एनर्जेटिक विधायक बाड़न, का कहलन उनकर बातचीत उनकर विचार से पता चल गए कि एगो ये लोग सब भविष्य के नेता है, ये लोग भविष्य के लीडर है, ये लोग जैसे इनके पिताजी एक लीडर बने, एक होता है नेता, एक होता है विधायक, एक होता है सांसद और एक होता है लीडर। बहुत कम लोग जो लीडर बनते, जो लीड करते अपने समाज को, अपने देश को, अपने क्षेत्र को, ये बहुत जरूरी है। जैसे पूज्य महाराज जी लीडर, जैसे श्री प्रधानमंत्री जी लीडर, ये लीड करते हैं देश को और देश चलता है, राज्य चलता है, जिला चलता है, क्षेत्र चलता है, समाज चलता है। तो ये भावना बहुत जरूरी है, तो ये पासवान ब्लड में ही है, पासवान खून में ही है। ये मचासी लोग हैं, बड़ा अच्छा लगा, हम लोग मित्र हैं, लेकिन जब मंच पे आए और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है तो हम भी बहुत प्रभावित होते हैं। हम देखा कला के क्षेत्र से है, पूज्य महाराज जी चलना, प्रधानमंत्री अमित शाह जी चलन के हम बने, देवकुल जनता गोरखपुर के हमारे भोजपुरिया समाज हम के जी कलश माई बनी एकदम झार के वोट दे रही हम। जब झार के वोट मिला हमको तो हम शूटिंग भी झार के करे लगे, क्या गोरखपुर में शूटिंग
और रोजी रोजगार सबके हाल में, और आज पूरा बंबई में कहीं शूटिंग नहीं हो रहा, सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, गोरखपुर में हो रहा है, पूर्वांचल में हो रहा है, कोई भोजपुरी पिक्चर हिंदी पिक्चर यही पर आ गया, क्योंकि यही मेरा सपना था। आज बहुत अच्छा लगता कि हाँ मेरे रोजगार भी आप लोग जब हमको सांसद बनाए, महाराज जी का आशीर्वाद भेटाए, महादेव हमारे कपाल चढ़े रहा ना, जिसे सबके मालूम बा, तो आज हम एगो रोजगार का भी माध्यम सोचत थे, तो आज ये मंच पे आके और ऐसा माहौल जहाँ पर हम शहीद ओम प्रकाश जी के बारे में और जितना भी क्षेत्र पंचायत चरगावा का से जुड़ल जितना भी लोग बाढ़ है, हम केहो का नाम अगर सुनील जी का तो नाम लिए, केहो का नाम हम देख बैठ बैठ जाओ केहो का नाम आ चुके हैं, जितना भी हमारे भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवा वाहिनी के ये सारे मंचासी लोग हैं, ये सब दिग्गज लोग हैं, जो पीछे बैठते हैं वो बड़े दिग्गज होते हैं, ये याद रखें, ये लोग सबसे बड़ा आदमी जो वही होता है जो पीछे बैठता है, कि वही लोग सब डंडा पास देके हम लोग को टेका दिए रहते हैं, जब हम लोग गिरने लगते हैं ये लोग खेल लेते हैं, ये लोग बहुत मजबूत लोग हैं, इन लोगों के हमेशा ध्यान दिया, इन लोगों खाते हैं जो जोरदार ताली बजेगी है, गड़गड़ा के बजेगी ताली, फिर वह एक दिन हाथ उठा ला माई बहन लोग के चेहरा पे तो मुस्कुराहट, हम जान रहे हैं हमारा इंतजार कर रही थी आप लोग बहुत टाइम से, इतना आशीर्वाद दिए हैं, पंडित जी बताएंगे बिया का बहुत देख ले रहे देखा सर कलम साची याद है मुसलमान कलम नवा दोनों हाथ उठा वाला नवा पार्वती पते हारा हारा महादेव बोलो भारत माता की भारत माता की बोलो जिंदगी ठंडवा जय हो जय हो ये हमारे छोटे भाई बालन यादव जी ये महाराज जी की मित्र ये चार है ए मारो ठेका मारो ए ठेका ए ठेका ओ भाई चौपाला मारो चलो भाई भैया सुनिए चाहू हाथ उठाओ जो सुनना चाहता है सिनेमा रहे हमारा देवरा बड़ा सतावे देखो धर्म पत्नी बहुत जरूरी है जीवन में करना बहुत जरूरी है इंसान संपूर्ण होता है उसकी वृद्धि होती है तो उसको मोक्ष मिलता है क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूरा जीवन जी के आया शादी ब्याह भी किया आदमी जीवन का चक्र पूरा करना बहुत जरूरी है शहीद ओम प्रकाश का स्वामी सावरण दूर पाई हो यही जिंदगी है और यही सच है भैया वो कहा था बड़ा नीक लागे कलम जी के बोलिया भाई जोर जोड़ा जोर जोड़ा यही जीवन है देखी जीवन है और मुस्कुरा के जीना है देखा सुख दुख तो सबके बाहर हो अंबानी के भी दुख बा रवि किशन के भी बा अमिताभ बच्चनों के बा सुख दुख से कोई पता नहीं है ये जीवन बाटे तो जीना जरूरी है।